हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इन्फो गवर्नमेंट जॉब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके ऊपर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसकी अपडेट दी जाएगी। तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये वीडियो है एएलपी टेक्नीशियन के सभी जोनों का डाटा कलेक्ट किया हूँ दोस्तों मैं, कि किस जोन से कितने गुना कैंडिडेट पास किए गए, कितने एएलपी की पोस्ट, कितने टेक्नीशियन की पोस्ट हैं, और कितने आपकी पीसीएम की पोस्ट हैं, और कितने गुना क्वालिफाई हुए हैं दोस्तों। टोटली आपको कहाँ से कितने गुना पास हुए हैं और टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो कहाँ से मेरिट है वो बढ़ सकती है दोस्तों, इससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे थोड़ा बहुत। और फाइनल कट ऑफ का वीडियो, तो आप कमेंट करें आपके कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, उस हिसाब से फाइनल कट ऑफ का वीडियो मैं आपको बना दूंगा, कि जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो से मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ की मेरिट है वो बढ़ सकती है, उसका चांसेस हैं बढ़ने के दोस्तों। तो दोस्तों नॉर्मली मैं आपको बता दूँ मेरिट की, तो कि आप एएलपी और पीसीएम, ये दोस्तों आप दोनों चाहे कहाँ पर एक गुना भी पास हो तो भी दोस्तों एएलपी और आपकी पीसीएम की दोनों की मेरिट है वो हाई गई है। चाहे कोई भी जोन हो, चाहे दोस्तों वहाँ पर एक गुना कैंडिडेट पास किए हो, चाहे पटना जोन हो, वहाँ पर भी थोड़ी सी है दोस्तों जनरल और ओबीसी की एएलपी की मेरिट है वो हाई है। तो दोस्तों इनका कट ऑफ है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो एएलपी और पीसीएम का तो हर जोन में कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों। तो सिलेक्शन तो दोस्तों उनका भी हो जाएगा, उनको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा जाएगा, तो सिलेक्शन तो उनको भी दे दिया जाएगा। अगर कहीं कहीं पर खाली पोस्ट है तो रेलवे हो सकता है, संभव है कि इसी वैकेंसी से आपको दूसरी कोई पोस्ट जहाँ पर एनईसी है, तो दोस्तों जहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिले हैं वहाँ पर आपको नौकरी दे दे दोस्तों, संभव है। रेलवे के ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों ये जोन वाइज होगा, जो भी होगा ये सिस्टम। तो आपका एएलपी और पीसीएम की जो भी आपकी जनरल ओबीसी कट ऑफ है उससे आप एक या दो नंबर के बीच में दोस्तों आप मान सकते हो कि मेरिट आपकी फाइनली बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि आपके मेडिकल में भी कुछ बाहर होंगे और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है पहले, तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट है बाहर निकलने के चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। तो हम मान सकते हैं कि एक से तीन नंबर आपका एएलपी और पीसीएम का कट ऑफ है वो वेरिएबल करेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा और ना ही इससे कम भी दोस्तों। एक नंबर से कम तो शायद ही किसी जोन में हो जहाँ पर कम चला जाए दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो कि CBT 2 में जो मेरिट था वो दोस्तों 30 नंबर क्वालिफाई मार्क्स था किसी जोन का, उसका मेरिट दोस्तों अब यहाँ पर 63 और 65 चला गया है, मतलब 35 नंबर का वेरिएशन हो गया है। तो दोस्तों एक से तीन नंबर का आपका वेरिएशन बनता है, जो भी नीचे से कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उससे ऊपर आप एक से तीन नंबर से अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों एएलपी और पीसीएम के लिए है। और आईटीआई वालों का तो दोस्तों 50% जोन के अंदर आपका थोड़ा बहुत मेरिट वेरिएबल करेगा एक से दो नंबर बस, बाकी दोस्तों 50% जोन तो ऐसे हैं जहाँ पर आपकी कट ऑफ है वो सेम रहने वाली है लगभग, कोई एक आध कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, जैसे जनरल या ओबीसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जोनों बाकी कैटेगरी की है वही रहने वाली है दोस्तों। तो टोटल हम डाटा की बात करेंगे तो वीडियो पर बने रहें। तो ये दोस्तों मैंने डाटा ओपन किया है, अहमदाबाद जोन से आपकी 365 वैकेंसी एएलपी की, 160 पीसीएम की और 702 आईटी की, टोटल 1227 पोस्ट थी, 1270 कैंडिडेट पास किए गए थे और आपका 1.04 गुना कैंडिडेट है वो पास किए गए थे। अजमेर के अंदर दोस्तों 1110 वैकेंसी एएलपी की, 363 पीसीएम की और 1613 आईटीआई की, टोटल 3086 पोस्ट, 4304 कैंडिडेट पास किए गए 1.4 गुना के लगभग। इलाहाबाद के अंदर बात करूँ दोस्तों 4236 पोस्ट आपकी एएलपी की सबसे ज़्यादा, और 797 पोस्ट वो पीसीएम की, और 2449 पोस्ट आईटीआई की, टोटल 7482 कैंडिडेट 82 पोस्ट लिए जाएंगे दोस्तों। टोटल आपके पास किए गए हैं 10629, 1.42 गुना कैंडिडेट है वो यहाँ पर इलाहाबाद जोन से पास किए गए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आपकी इलाहाबाद जोन से थी। अब दोस्तों बात है बेंगलोर की, तो बेंगलोर में 1623 वैकेंसी एएलपी की, 383 वैकेंसी पीसीएम की, 1473 पोस्ट है आईटीआई की और आपकी टोटल 3479 पोस्ट है वो दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट हैं, और टोटल 4892 कैंडिडेट वो पास किए गए हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए 1.41 गुना के साथ दोस्तों। तो मैं इसके आपको बता सकता हूँ अहमदाबाद जोन के अंदर आईटीआई की मेरिट वो बिल्कुल भी दोस्तों वेरिएबल नहीं करेगी, संभव है दोस्तों ये बात, क्योंकि 1.04 गुना कैंडिडेट ही पहले से क्वालिफाई हैं, जो भी
एक से कम है दोस्तों, 1.1 के समथिंग है उनका दोनों का दोस्तों। आईटीआई का मेरिट तो शायद ही वेरिएबल करे, एएलपी पीसीएम का ज़रूर आपको 2 से 3 नंबर तक है वो वेरिएबल मिल सकता दोस्तों। भोपाल जोन की बात करें तो भोपाल के अंदर आपकी 1110 वैकेंसी एएलपी की, 409 पीसीएम की, 1428 आईटीआई की, टोटल 2947 पोस्ट है वो आपकी भोपाल जोन से है। और 4205 कैंडिडेट पास किए गए, तो 1.43 गुना कैंडिडेट है वो पास किए गए। भुवनेश्वर जोन की बात करूँ तो 2228 पोस्ट एएलपी की, 67 पोस्ट पीसीएम की, 377 पोस्ट आईटीआई की है दोस्तों। तो इसके अंदर आपके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं दोस्तों, क्योंकि देख सकते हो आप एएलपी की सबसे ज़्यादा पोस्ट इसके अंदर आपकी हैं, तो आईटीआई की पोस्ट बहुत कम है। तो इसके अंदर तभी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास किए गए हैं, 2672 पोस्ट के लिए आपका 3879 कैंडिडेट पास किए गए, 1.45 गुना के समथिंग दोस्तों। तो इसका मेरिट है वो एएलपी का बहुत ज़्यादा वेरिएशन करेगा, ये कंफर्म है। तो आगे आपका है जो बिलासपुर जोन, बिलासपुर से 1484 एएलपी, 255 आपका पीसीएम और 669 है वो आईटीआई की दोस्तों। इसमें भी आईटीआई की काफ़ी कम पोस्ट हैं, तो इसमें भी आपका रेशियो बहुत ज़्यादा होगा, 2398 पोस्ट के लिए 3482 कैंडिडेट पास किए गए, 1.45 गुना कैंडिडेट के साथ। चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों 1308 वैकेंसी आपकी एएलपी की है, 305 वैकेंसी आपकी दोस्तों पीसीएम की हैं, और 2863 पोस्ट आपकी आईटीआई हैं, आईटीआई की हैं। इसके अंदर आईटीआई की पोस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण दोस्तों इसका रेशियो कम है, 4476 पोस्ट हैं टोटल, इसके लिए 5744 कैंडिडेट पास किए गए हैं, 1.28 गुना के समथिंग। चेन्नई के लिए 781 पोस्ट बहुत कम है आपकी इसमें एएलपी में है, और 300 पोस्ट पीसीएम की हैं, 2760 पोस्ट आईटीआई की हैं, टोटल 3821 पोस्ट के लिए 4551 कैंडिडेट पास किए गए, 1.19 गुना के साथ। अगला है दोस्तों गोरखपुर, गोरखपुर में दोस्तों 1681 आपकी एएलपी, 272 पीसीएम, 1492 आपका आईटीआई, 3445 टोटल और 4502 आपके कैंडिडेट पास किए गए, 1.13 गुना के साथ। गुवाहाटी के अंदर 420 एएलपी, 156 पीसीएम, 639 आईटीआई, 1215 टोटल कैंडिडेटों के लिए 1563 बंदे पास किए गए हैं, जिसके लिए 1.29 का रेशियो आपका गुवाहाटी जोन से है। जम्बू के लिए दोस्तों 357 आपका एएलपी और 43 आपका पीसीएम और 583 आपका आईटीआई, 983 टोटल पोस्टों के लिए 1109 कैंडिडेट पास किए गए, 1.13 गुना के साथ। अगला दोस्तों कोलकाता, कोलकाता के लिए 1409 पोस्ट हैं एएलपी की, 193 पीसीएम और 3925 दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें आईटीआई की हैं, तो 5527 कैंडिडेट लिए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, और 7345 कैंडिडेट पास किए गए हैं, 1.133 रेशियो के लिए, 1.33 रेशियो के साथ दोस्तों। तो मालदा जोन की अगर मैं बात करूँ तो मालदा के अंदर 801 आपकी टोटल एएलपी की पोस्ट, 128 पीसीएम की और 927 आईटीआई की, टोटल 1856 पोस्ट, 2616 कैंडिडेट पास किए गए हैं और 1.41 रेशियो के साथ। मुंबई के अंदर 1866 एएलपी की, 685 आपकी पीसीएम की, 3203 आईटीआई की और 5754 है और दोस्तों टोटल वैकेंसी हैं, 7823 कैंडिडेट पास किए गए, 1.36 रेशियो के साथ। तो दोस्तों अगला है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के लिए 456 एएलपी, 124 पीसीएम, 569 आपका आईटीआई, 1149 टोटल पोस्ट, 1272 कैंडिडेट पास किए गए, 1.12 के साथ। इसमें दोस्तों कट ऑफ बहुत ही कम रेशियो करेगा एएलपी का, ज़रूर यहां पर हाई हो सकता है थोड़ा। तो पटना की 720 एएलपी, 84 पीसीएम, 479 आईटीआई, 1283 टोटल पोस्ट और 1340 कैंडिडेट पास किए गए, मतलब आपका 57 कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए गए हैं 1.05 रेशियो के साथ। रांची के अंदर दोस्तों कट ऑफ बहुत ही वेरिएबल अभी भी होगा, और पहले भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, क्योंकि 2031 पोस्ट एएलपी की हैं, 218 पोस्ट आपकी पीसीएम की हैं और 2032 पोस्ट हैं वो आईटीआई की हैं, 4281 पोस्टों के लिए 6256 कैंडिडेट पास किए गए, मतलब 1.46 गुना सबसे ज़्यादा दोस्तों रांची जोन से पास हुए हैं। सिकंदराबाद जोन की अगर बात करूँ, सिकंदराबाद के लिए 3133 कैंडिडेट एएलपी के लिए जाएंगे, 436 पीसीएम के, 2248 आईटीआई के, 5817 टोटल पोस्ट हैं, 8255 कैंडिडेट पास किए गए, 1.42 रेशियो के साथ। तो सिलीगुड़ी जोन की बात करें, सिलीगुड़ी में 534 एएलपी, 38 आपका पीसीएम, 303 आईटीआई, 875 टोटल 1084 पास किए गए हैं, 1.24 रेशियो के साथ। तिरुवनंतपुरम के लिए 162 एएलपी,
128 आपका पीसीएम, 318 आपका आईटीआई दोस्तों। 608 पोस्टों के लिए 629 कैंडिडेट पास किए गए हैं और 1.04 रेशियो के साथ। ये दोस्तों आपका टोटल 21 जोनों का डाटा हो गया। और अब टोटली अगर हम बात करें दोस्तों, 27,795 कैंडिडेट है वो एएलपी के अंदर हैं, 5,544 आपके दोस्तों टोटल है वो पीसीएम के अंदर है, 31,032 कैंडिडेट हैं वो आईटीआई के हैं, और आपका 64,371 टोटल वैकेंसी थी, 86,750 कैंडिडेट पास किए गए 1.35 गुना के साथ दोस्तों। तो टोटली अगर मैं बताऊं दोस्तों कि आप ये नहीं है कि 27,000 का 1.5 गुना पास हो गया है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों काफ़ी एक्समैन की पोस्ट हैं जिसमें दोस्तों पूरे कैंडिडेट नहीं मिले हैं एएलपी में, और दोस्तों काफ़ी एससी और एसटी की पोस्ट है दोस्तों। तो सर्विस मैन वाली तो वो ले सकते हैं सामान्य में, अगर लेना चाहें तो सामान्य और ओबीसी के कैंडिडेटों को दे सकते हैं जिनका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो उन्हें उस पर क्वालिफाई कर सकते हैं, रेलवे के अंडर में है ये दोस्तों। पर एससी एसटी की पोस्ट वो यहाँ पर खाली ही रहेंगी अगर वो खाली हैं तो दोस्तों ये आपका टोटली सभी जोनों का डाटा है। अगर आपको कट ऑफ के बारे में जानना है कि कट ऑफ कहाँ से कितना वेरिएबल करेगा टोटली अलग अलग जोन वाइज आईटीआई का भी, तो कमेंट करके अपने मार्क्स बताएं और सिलेक्शन कितने पर हुआ, कितने पर नहीं हुआ, किस जोन से हुआ है टोटली आपको नीचे एक यहाँ पर लिखना है कि आपका किस बोर्ड से हो, आपका कैटेगरी क्या है ओबीसी एससी एसटी, आपका मार्क कितना है दोस्तों कितना भी है, और वो आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, और किस ट्रेड से हुआ दोस्तों, ये ज़रूर ज़रूर कमेंट करें। इससे दोस्तों आपको अगला वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा, बाकी दोस्तों आपकी मर्ज़ी है। टोटली मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, और बाकी मेरे कोई भी अपडेट मिलती है तो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद जय भारत। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय।